फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घुमाने, तो आप सबको दिखाएंगे। नीचे जा रहे हैं अभी, मतलब थोड़ा यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पालक का पराठा। तो यहाँ पे हमारा आटा है जी, और यहाँ पे है नमक, अजवाइन है, जीरा है, मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट है। और यहाँ पे हमारा जो पालक है इसको कट कर लिए हैं, मतलब इसमें का डंडी वगैरह निकाल करके फिर कट किए हैं, और पूरा बारीक बारीक कट करना है। और इसको देना है हमें, इसमें आटा इसमें डालते हैं, फिर आप सब देखते हैं हमारा पालक। तो यहाँ पे हम आटा ले लिए थे, और ज़्यादा नहीं बनाना था लेकिन ज़्यादा ही हो गया था। और यहाँ पे आटा में पालक दिए थे, और यहाँ पे मिर्च, लहसुन और अदरक था, और लाल मिर्च था, और नमक और हल्दी भी देना चाहते हैं तो हल्दी भी दे सकते हैं थोड़ा सा, और अजवाइन था थोड़ा सा, जीरा का जो आप सबको पहले दिखाई थे, और इसको और इसमें थोड़ा सा तेल दिए थे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच तेल देना था। और इसको मिक्स करेंगे, और मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मतलब ऐड करके इसको आटा को गूंथेंगे, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल दिए थे, थोड़ा सा वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा पालक लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा और आटा ला करके डाल करके फिर मिला रहे थे, लेकिन इसमें पानी मतलब डाले घुटने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो फिर से थोड़ा सा और आटा डालना पड़ा था। क्योंकि इस तरह से फर्स्ट टाइम बनाए थे, मतलब ऐसे बनाते हैं तो साग जैसा बना करके फिर इसमें गूंथ करके बनाते हैं, तो वैसा वाला मतलब बनाए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस तरह का बना रहे थे कि ऐसे ही मतलब पालक को डाल करके बनाए, फर्स्ट टाइम ऐसे बनाए थे। टेस्टी हुआ था, बस थोड़ा सा आटा है जो तो क्या बोलते हैं ना, घील टाइप का हो गया था, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। और तो थोड़ा सा यहाँ पे आटा वगैरह लगा, मतलब थोड़ा सा इसमें दे करके फिर बनाए, थोड़ा अच्छा हो गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम रोटी बनाने के लिए मतलब और पहले बना लिए थे, लास्ट वाला 2-4 बचा था तो आप सबको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले बना लिए थे तो मतलब हमारे यहाँ बच्चे हैं ना, वो लोग मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं तो लंच में यही लेकर गए थे, और बना था केला का सब्जी, केला का सब्जी लेकर गए थे, और ये वाला पराठा, तो बस थोड़ा सा बचा था और लोग खा भी लिए थे, थोड़ा सा बचा था तो आप सबको दिखा रहे थे। और ये वाला त्रिकोणी वाला बना रहे थे, वैसे मतलब कैसे भी जैसे बनाना चाहते हैं आप लोग वैसे बना सकते हैं, तो वही हम बना रहे थे। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। हेलो गाइस, तो अभी बज रहा होगा 12 बज रहा होगा या 12:30 हो रहा है, और अभी हम लोग का सारा काम हो गया है, मतलब
खाना पीना नाश्ता वगैरह सब कुछ, और थोड़ा सा सो गए थे बाबू को, मतलब सुला रहे थे तब तक नींद लग गया, मतलब रो रहा था तो उसको सुलाना था, खाना वगैरह खिला करके सुला दिया और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया था, लेकिन दिखा नहीं पाए थे। और नाश्ते में आप सबको आगे दिखाए थे वो क्या बोलते हैं, पालक का पराठा बना था और चटनी से भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग चटनी से नहीं खाए थे, हमारे यहाँ केला की सब्ज़ी बना था और सब्ज़ी और पराठा हम लोग खाए थे नाश्ते में, और चावल भी बना था तो खाना वगैरह खाए, मतलब खाना खाए थे बाद में तो खाए थे। और अभी हमारा बाबू सो गया है, उसको सुला दिए, मतलब सोने के लिए रो रहा था तो इसलिए ब्लॉग आगे ब्लॉग थोड़ा सा मतलब नहीं बना पाए थे, ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाए थे, तो अभी उसको सुला दिए हैं, सो गया है, इसको खाना वगैरह खिला दिए हैं, अभी वो सो रहा है। और अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपी कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं पालक का पराठा। वैसे हम पहली बार इस तरह से बनाए थे, वरना मतलब उबाल करके बनाया जाता है, जो साग जैसा बना करके उबाल करके वैसे बनाए हैं, लेकिन पहली बार इस मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे बनाए थे तो टेस्टी हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, और आप लोग भी ट्राई करिएगा ऐसे बनाने के लिए, वैसे बहुत टेस्टी हुआ था और सभी को पसंद है, हमारे यहाँ पसंद था। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। फिर इस ब्लॉग में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सिर्फ अपने ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।